नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीखी.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ की शिक्षा विभाग द्वारा पढ़ाई द्वार पोर्टल लॉन्च किया गया है और इस पोर्टल पर जो है क्लासेस लगनी शुरू भी हो गई हैं ऑनलाइन। दोस्तों, कोरोना महामारी पर नियंत्रण के उद्देश्य से प्रधानमंत्री द्वारा देश भर में लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसके कारण सभी शिक्षण संस्थाएं बंद कर दी गई हैं। इस कारण से विद्यालय बंद का प्रभाव विद्यार्थियों की शिक्षा पर ना पड़े, इसके लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पढ़ाई द्वार पोर्टल लॉन्च किया गया है, शुरुआत की गई है इसकी। और इस पोर्टल पर जिनका संचालन जो है छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, इस पोर्टल पर जो है छत्तीसगढ़ के कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे और मुख्यमंत्री के अनुसार जो है इस पोर्टल का जल्दी ही विस्तार किया जाएगा और जल्दी इस पोर्टल पर जो है 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी ऑनलाइन कक्षाएं लगाई जाएंगी, तो 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी भी ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे इस पोर्टल से जुड़कर। और इस पोर्टल पढ़ाई द्वार पोर्टल जो है एक ऑनलाइन ई प्लेटफॉर्म के तौर पर जो है इसको शुरू किया गया है और इस प्लेटफॉर्म से जो है शिक्षक और बच्चे अपने अपने घर से ऑनलाइन इंटरैक्टिव कक्षा से जुड़कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षण का लाभ प्राप्त कर सकेंगे और शिक्षक जो है बच्चों से सवाल भी पूछ सकेंगे और बच्चे जवाब भी दे सकेंगे और इसके अतिरिक्त शिक्षक उन्हें जो है होमवर्क भी देंगे ऑनलाइन और बच्चे ऑनलाइन होमवर्क को की फोटो को जो है ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेंगे और शिक्षक उनका होमवर्क भी चेक कर सकेंगे। इस प्रकार से ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से पढ़ाई जारी रखने में जो है विद्यार्थियों को मदद मिलेगी और इस पोर्टल पर जो है लॉकडाउन पीरियड के बाद भी जारी रखा जाएगा छत्तीसगढ़ में, जिससे जो है छत्तीसगढ़ के दूर दराज इलाकों में के स्कूलों में जहां किसी विषय के शिक्षक की कमी होगी तो वहां पर जो है ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से जो है शिक्षक की कमी को पूरा किया जा सकेगा। तो दोस्तों, इस पोर्टल से जोड़ करके ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए विद्यार्थी और शिक्षक दोनों को ही जो है पढ़ाई द्वार पोर्टल यानी पढ़ाई आपके द्वार पोर्टल से जो है पर रजिस्टर करना होगा खुद को और रजिस्टर करने के बाद ही जो है किसी भी कक्षा में शामिल होकर बच्चे जो है पढ़ाई का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। और दोस्तों, इस ऑनलाइन पोर्टल से पर रजिस्टर करने के लिए आपको जो है गूगल पे ब्राउजर खोलना होगा और cgschool.in यानी छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग स्कूल शिक्षा विभाग के वेब पोर्टल पर जो है पढ़ाई द्वार पोर्टल को बनाया गया है, तो cgschool.in लिखकर आपको सर्च पर क्लिक करना होगा और ये सीजी स्कूल विद्यार्थी पंजीयन ये विकल्प आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा तो ये पोर्टल खुलकर आ जाएगा छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग स्कूल शिक्षा विभाग का और इसमें आपको विद्यार्थी पंजीयन इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। विद्यार्थी पंजीयन विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको ये मोबाइल नंबर लिखना होगा और जो है मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और आपको फिर यहाँ पर जो है ये पेज खुल जाएगा। उसके बाद से तो आपको यहाँ लॉगिन का अपना पासवर्ड बनाना होगा और पासवर्ड बनाने के बाद जब आप OTP लिखेंगे तो जो है OTP लिखने के बाद आपका लॉगिन ID बन जाएगा और आप इस पर लॉगिन करके आपको फिर इसके बाद ये फॉर्म भरना होगा स्कूल शिक्षा या इसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा कि स्कूल शिक्षा का प्रकार चुनना होगा स्कूल शिक्षा या महाविद्यालय शिक्षा, तो
ये स्कूल शिक्षा के लिए पोर्टल बनाया गया है, तो स्कूल शिक्षा आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर जो है आप अपना नाम लिखेंगे विद्यार्थी, और जो भी इस पोर्टल से जुड़ना चाहते हैं विद्यार्थी वो अपना यहाँ ईमेल आईडी लिखेंगे, और यहाँ से छत्तीसगढ़ आपको सेलेक्ट करना होगा, छत्तीसगढ़ पहले आपको, और फिर यहाँ पे जिला छत्तीसगढ़ किस जिला से हैं आप, किस उस जिले का नाम आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, और जिले का नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एड्रेस लिखना होगा और अपने घर का, और फिर यहाँ पर जो है अपना पासवर्ड लिखना होगा जो आपने बनाया है लॉगिन करते समय, लॉगिन पासवर्ड जो बनाया है वो पासवर्ड लिखकर यहाँ से कंफर्म करना होगा। मोबाइल नंबर पे ओटीपी लिखने के बाद दोस्तों ये आपको फॉर्म भरना होगा, और फॉर्म भरने के बाद जो है एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करना होगा, तो आप यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे और फिर से पासवर्ड लिखकर उसको कंफर्म करेंगे, और उसके बाद जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपके फ़ोन पर आया होगा मैसेज पे, वो यहाँ पर ओटीपी आपको लिखना होगा, और ओटीपी लिखने के बाद पंजीयन करें इस पर आप क्लिक करेंगे, तो पंजीयन करें पर क्लिक करने के बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका जो है ये लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगा, तो आप उस पर लॉगिन करके या फिर से आपको यहाँ जाना होगा और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना होगा और पासवर्ड लिखना होगा और लॉगिन पर क्लिक करना होगा, तो आप इस वेब पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे, और लॉगिन करने के बाद जो है ये इस प्रकार का पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको यहाँ से अपनी कक्षा चुननी होगी कि सेलेक्ट करना होगा किस कक्षा में, तो 1 से 10 तक की कक्षा के पाठ्यक्रम इस पोर्टल पर उपलब्ध है, तो 1 से 10 के अंदर आपको कोई भी कक्षा को सिलेक्ट करना होगा, तो कक्षा 9 सेलेक्ट कर लेते हैं अगर, तो यहाँ से फिर आपको विषय चुनना होगा कि किस विषय का क्लास आप अटेंड करना चाहते हैं, तो इंग्लिश अंग्रेजी चुन लिया है, तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कि ऑनलाइन क्लास आप अटेंड करना चाहते हैं या फिर जो है अपने कोर्स मटेरियल देखना चाहते हैं कक्षा 9 के अंग्रेजी विषय का, या फिर अपना जो होमवर्क अपलोड करना चाहते हैं, तो इनमें से विकल्प करके, तो ऑनलाइन क्लासेस का टाइम है दोस्तों, तो उस टाइम पर आपको यहाँ क्लिक करना होगा, और आपको इस पोर्टल पर जो है टाइम टेबल भी मिल जाएगा, तो यहाँ से आप जो है ऑनलाइन क्लास टाइम टेबल पर क्लिक करके अपना टाइम टेबल देख सकते हैं, और जिस विषय का क्लास का टाइम जो होगा उस समय पर उस विषय के क्लास में आपसे आप जुड़ सकते हैं, और इसके बाद जो है आपको यहाँ पर ऑनलाइन क्लास का जो समय निर्धारित होगा उस समय पर उस विषय के क्लास से आप जुड़ पाएंगे, और कोर्स मटेरियल देखना है तो कोर्स मटेरियल पर क्लिक करेंगे, तो कक्षा 9 के जिस अंग्रेजी विषय आपने चुना है तो उससे संबंधित जो कोर्स का सिलेबस होगा वो सब आप देख सकेंगे, और उसकी यहाँ से आप उसको अपलोड कर सकेंगे, देख सकेंगे उसको, और कोर्स मटेरियल से संबंधित वीडियो क्लिप्स भी इस पोर्टल पर उपलब्ध होगा, तो वीडियो क्लिप्स के माध्यम से भी जो है आप अपने पाठ्यक्रम को समझ सकते हैं, और यह होमवर्क अपलोड करना है आपको तो होमवर्क पर क्लिक करेंगे, तो होमवर्क पर क्लिक करने के बाद ये पेज खुल जाएगा, तो आप यहाँ से देख सकेंगे कि आपको होमवर्क अपना अपलोड करना है, तो यहाँ पर आपको असाइनमेंट का उत्तर अपलोड करें, तो यह चूज फाइल करके पहले आपको जो है अपनी वर्कशीट को की फोटो कॉपी को स्कैन करके यहाँ पर सेव कर लेना होगा अपने लैपटॉप में, और चाहे तो मोबाइल से भी कर सकते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पर चूज फाइल पर सेलेक्ट करके अपलोड करना होगा असाइनमेंट अपना उत्तर जो भी होमवर्क है, और फिर उत्तर अपलोड करें इस विकल्प पर क्लिक करना होगा, तो आपका जो है उत्तर जो होमवर्क होगा वो अपलोड हो जाएगा, और फिर शिक्षक जो है आपके होमवर्क को चेक कर सकेंगे, और उससे संबंधित यदि आपको कोई सवाल जवाब पूछना है या जवाब चाहते हैं अपने क्वेश्चंस का, तो आप ऑनलाइन क्लास से जुड़ करेंगे, और उस विषय से संबंधित ऑनलाइन क्लास से जुड़कर अपने समस्या का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं, और शिक्षक से प्रश्न भी पूछ सकते हैं।
तो धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारी YouTube चैनल sikhi.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि छत्तीसगढ़ के जो विद्यार्थी हैं वो ऑनलाइन पोर्टल से जुड़कर जो है ऑनलाइन शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सकें।